सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। मौजूदा आईपीएल के 25वें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने जीत दर्ज की, लेकिन कप्तान महेंद्र सिंह धोनी आचार संहिता के उल्लंघन के दोषी पाए गए। जयपुर में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ चेन्नई सुपर किंग्स के मैच के बाद धोनी पर आचार संहिता के उल्लंघन के लिए मैच फीस का 50% जुर्माना लगाया गया है। आईपीएल की आचार संहिता के अनुच्छेद 2.20 के तहत धोनी ने लेवल 2 का अपराध स्वीकार कर लिया है। अनुच्छेद 2.20 खेल भावना के विपरीत आचरण से जुड़ा है। दरअसल दबाव भरे हालात में भी बर्फ से ठंडे रहने वाले एमएस धोनी को बहुत ही कम मौकों पर अपना आपा खोते पाया गया है, लेकिन परिस्थितियां ऐसे भी आईं जब धोनी को भी मैदान पर आग बबूला होते देखा गया। दरअसल राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ रोमांचक मैच में एम्पायर ने आखिरी ओवर्स में ऐसी गलती कर दी जिसके कारण उन्हें धोनी के गुस्से का शिकार होना पड़ गया। हुआ कुछ यूं कि मैच के आखिरी ओवर्स की तीसरी गेंद पर महेंद्र सिंह धोनी के आउट होने के बाद चेन्नई सुपर किंग्स को जीत के लिए 3 गेंदों में 8 रनों की जरूरत थी। धोनी के आउट होने के बाद विशाल सेंटनर बल्लेबाजी के लिए आए। उस समय राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाज मैन स्टॉक्स गेंदबाजी कर रहे थे। मैन स्टॉक्स ने इस ओवर की चौथी गेंद विशाल सेंटनर को डाली, जिस पर उन्होंने दौड़कर 2 रन ले लिए। तभी मैन स्टॉक्स की इस गेंद को मैदानी एम्पायर ने पहले तो नो बॉल दिया, लेकिन फिर तुरंत ही उन्होंने इस फैसले को वापस ले लिया। इस फैसले के बाद धोनी इतने नाराज हो गए कि वो मैदान में घुस गए और बीच मैदान पर एम्पायर के साथ उनकी कहासुनी हो गई। इस गेंद पर बवाल इसलिए हुआ क्योंकि चेन्नई का कहना था कि ये गेंद कमर के ऊपर थी, इसलिए इसे नो बॉल करार दिया जाना चाहिए। इसी कारण धोनी भी मैदानी एम्पायर से बहस करने के लिए मैदान पर आ गए, लेकिन एम्पायर ने फैसला नहीं बदला। 5वीं गेंद पर सेंटनर ने 2 रन लिए। आखिरी गेंद पर जीतने के लिए 4 रनों की जरूरत थी, जहां अगली गेंद व्हाइट हो गई। अब आखिरी गेंद पर 3 रनों की जरूरत थी। सेंटनर ने आखिरी गेंद पर छक्का मारकर अपनी टीम को जीत दिलाई। अगर आप आईपीएल के फैन हैं और आईपीएल 2019 से जुड़ी हर लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आपको यहाँ पर आईपीएल 2019 से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले यही मिलेगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।